नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील अर्नोलिया आपके मनपसंद कार्यक्रम मंथन करुणा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्वरों की, वो सुर जो हमारी रूह को सुकून दिया करते थे आजकल खुद बेचैन नजर आते हैं। सुरों में बहुत ताकत होती है। जहां एक गलत सुर मखमली शब्दों को सूल सा चुभा सकता है, वहीं एक सही सुर आपके शूल से चुभने वाले शब्दों को भी मखमल सा नरम बना सकता है। मगर आजकल देखने में आ रहा है कि वक्त के इन पाबंद सुरों ने थोड़ी सी अपाधापी के अंदर खुद को सस्ता करना शुरू कर दिया है। वे खुद से पाबंदियां हटाना चाहते हैं, मगर दोनों सूरतों में देखा जाए तो नुकसान हमारा ही हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इसी विषय पर मंथन करें कि आजकल जो तांडव हो रहा है कहीं उनमें सुरों का तो कोई बात नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको उन सुरमाओं से रूबरू करवा दूं जिन्होंने आज मंथन की बागडोर संभाली है। मैं स्वागत करता हूं सर्वेश भट्ट जी का, जो प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। शब्दों के जादूगर के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कलाकारों की जमात में कला की ये जो है इतना बड़ा अहदा रखते हैं कि हर कलाकार चाहता है कि सर्वेश भट्ट उनकी कला पर कुछ टिप्पणी करें। स्वागत है सर्वेश जी आपका। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा सीमांशा जी का, जिनके बारे में कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया में ऐसे ढेरों लोग होंगे जिन्होंने राजस्थान की कला और संस्कृति को इन्हीं के मखमली आवाज के जरिए महसूस किया है, समझा है। उन्हें राजस्थान वैसा ही लगा जैसा सीमा जी ने दिखाया, सीमा जी ने गाया। आपका स्वागत है सीमा जी। और मैं स्वागत करना चाहूंगा वीणा मदानी जी का, जो न केवल वर्सटाइल वॉइस की मल्लिका हैं, साथ ही साथ में गुरु हैं, एक इवेंट प्लानर भी हैं और नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी कटिबद्ध हैं, मंच लेने के लिए भी त्वरित हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर्विस की। मैं इस शो को शुरू करूँ उसमें सबसे पहला सवाल है, मैं सर्विस से लेना चाहूंगा, क्योंकि ये कला के पारखी हैं, शब्दों के जादूगर हैं और कहीं ना कहीं हर कला के बारे में ये जानकारियां रखते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या फर्क हमारे आ रहे हैं। सर्विस जी, बदलते समय म्यूजिक को लेकर हमारा मिजाज बदल रहा है, हम वेस्टर्न म्यूजिक को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम रिपोर्ट की माने तो पश्चिम देशों में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 में से 1 आदमी किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। अगर इसी चिंता को मैं इंडिया की तरफ करके देखता हूँ, हमारे भारत की तरफ में करके देखता हूँ, तो आंकड़े चौंकाने वाले भी आते हैं, थोड़े दुखद भी आते हैं। जहाँ हम हिंदुस्तान को शांति दिए और समर्थनवादी मानते थे, वहीं उसके अंदर किसी रिपोर्ट जो आई उसमें माना गया कि करीब 7.5% लोग ऐसे थे जिन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजी की डॉक्टर की जरूरत थी। सर्वेश जी, बातों को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधे सीधे मुद्दे पर आऊंगा, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है संगीत का और मानसिक शांति का कोई सीधा संबंध होता है? संगीत का और मानसिक शांति का तो कहते हैं खुली दामन का साथ है। अगर संगीत अच्छा है तो मतलब वो संगीत में ऐसी शक्ति है कि वो खुले को भी लंगड़े को भी पहाड़ चढ़ा देता है, और संगीत के तरह से बरसात भी हो जाती है, संगीत के स्वरों से आग भी लग जाती है। लेकिन जो आज का संगीत है इस तरह का, जो पाश्चात्य संगीत की जो शोर शराबा हो रहा है, मैं ऐसा लगता है कि हमारा संगीत कहीं दब सा गया है। और अति अच्छा आपने सवाल किया, बदलते वक्त में संगीत की हाली सूरत भी आज बहुत ही सोचनी होती जा रही है। चरित्र निर्माण में संगीत का अहम योगदान होता है, लेकिन ये दुख का विषय है कि हमारा संगीत पाश्चात्य संगीत के शोर शराबे में दब सा गया। फिल्म हो, टीवी का पर्दा हो या कोई उत्सव, चारों तरफ पाश्चात्य संगीत का ही बोलबाला हो रहा है। इसलिए मुझे कोई अपनी शक्ति नहीं है कि ये तानपुरू और कैकोफोन संगीत के मानसिक तनाव में वृद्धि कर रहा है, और इस सबके लिए हमारे डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ा भूमिका है। हमारे लोक संगीत के नाम पर भी पूर्णपन ही परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आज का संगीत है ये व्यक्ति के मानसिक तनाव कम करने की जगह बढ़ा रहा है। अब देखो, एक जमाना जब आकाशवाणी में सुबह से रात तक दीपक माला लेकर हमारे बीच मौजूद रहता था आकाशवाणी, उस दौरान समय के साथ गाने प्रसारित किए जाते थे, लेकिन आज पढ़ रहे निजी FM चैनलों ने आकाशवाणी की इस प्रतिभा की मानो हनन सा कर दिया। प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे संगीत के राग रागिनियां अनेक रोगों का उपचार करने में सहायक होते हैं, लेकिन ये सब चीजें गायब होती जा रही हैं। और बस वही इसको जैज, पॉप, रॉक गाने के बारे में वीणा जी मेरे से ज्यादा जानती हैं, उनका ज्यादा अनुभव है, सीमा जी ज्यादा जानती हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ इस संगीत ने व्यक्ति के मानसिक तनाव में वृद्धि की है। आपने बहुत ही अच्छा सा एक मुद्दा भी उठाया जिसको मैं लेके आगे आपसे आऊंगा जी, उसको लेकर आपसे बाद में। मैं आपको इतना बताऊं कि हमारे संगीत में वो तासीर है कि मतलब इससे तो लोगों का उपचार होता है हमारे संगीत से,
लेकिन हमारे संगीत को कहीं प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। रात करता भी कांगड़ा से नया, वो तनाव दूर करने में सहायक होता है। भैरवी ब्लड प्रेशर और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। रात थोड़ी अस्थमा और सांस की परेशानी में मददगार साबित होता है। हाँ, एक जमाना था हमारे गोल्डन एरा का, जो हमारे संगीतकारों ने इन्हीं राग रागनियों को आधार बनाकर हजारों गीतों की रचना की है, और उससे जो व्यक्ति को मानसिक सुकून मिला वो आज तक मिल रहा है। आज उसके हमारे बॉलीवुड के गोल्डन एरा के बाद चार पीढ़ियों नई आ गई है जमाने में, लेकिन वो संगीत को सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम लोग हीरे को छोड़कर शीशे की तरफ दौड़ रही है, हमारा दुर्भाग्य ही है। अगले सवाल लेके मैं सीमा जी की तरफ रूबरू होना चाहूंगा। सीमा जी, जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि अगर हम लोग लोक गायकी की बात करेंगे, राजस्थानी संगीत की बात करेंगे, तो सीमा जी से बड़ा नाम नहीं हो सकता, जिन्होंने उस शिद्दत से उस संगीत को दिया हो। तो सीमा जी, आपने राजस्थान के अल्लाह लोकगीतों को इतनी सच्चाई से गाया है, मेरा मानना है कि सच्चाई से गाया है कि वो सीमित पब्लिसिटी के बावजूद टूट फूट वाले गीतों से कभी कम नहीं पड़े। अगर उन्हें और बड़े मंच मिले होते तो शायद वो और भी सफल हो सकते थे। अभी जो सर्वेश जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं हमने अपनी जो मौलिक चीजों को छोड़ के वेस्टर्न चीजों को अपनाया, उससे हमें नुकसान हुआ। उसी चीज को लेकर मैं यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगा कि मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकगीतों को जब जब भी जो बॉलीवुड या कोई बड़ा मंच मिलता है, तब तक वो देश और दुनिया की आवाज बन जाते हैं, मगर वरना तो वही गाँव के चौपालों पर धूल झाड़ते दिखते रहते हैं। हमें ऐसा क्यों होता है कि हमें अपनी विरासत पर, अपने लोकगीतों पर, अपने लोक हाथियों पर गर्व करने के लिए दूसरों की मोहर की जरूरत होती है, ये क्यों होता है? इसका मेन कारण ये है सर कि आजकल का जो दौर है, जो न्यू जनरेशन है, उनको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, उनको प्योर म्यूजिक तो सुनना ही नहीं है। तो जो हम लोग राजस्थानी प्योर म्यूजिक बनाते हैं, ऐसा नहीं है, गाने सुने हैं और पसंद किए हैं, जो प्योर हमने काम किया है वो भी काफी सुने, लेकिन थोड़ा सा उनमें मसाला, मिर्च मसाला जब तक नहीं डालते लोग उसको स्वीकार नहीं करते। आजकल का दौर ही ऐसा चल गया है। अब कहते हैं कि लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम जैसा परोसेंगे वैसा ही लोग सुनेंगे। संगीत है, उसमें मिलावट ना करें, उसको प्योर रखें और उसी को म्यूजिक के द्वारा बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि शब्दों में फूहड़ता लाएं और इस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे तो लोग डेफिनेटली सुनेंगे। और आज सुना भी है, जिस तरह से वीणा म्यूजिक ने या हमने जो गाना गाया है और प्योर उसने संगीत में ही हमने परिवर्तन किया, लेकिन वेस्टर्न बिल्कुल नहीं किया, और अच्छा संगीत के द्वारा उसको प्रेजेंट किया तो लोगों ने काफी पसंद किया। आज घूमर वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे ऐसे ही तो नहीं आ गई। अच्छा संगीत होगा तो लोग सुनेंगे, लेकिन हमारे में कमी है कि जैसा हम प्रेजेंट करेंगे वैसा लोग सुनेंगे। तो हमें अच्छी चीज देनी चाहिए, तो ये जनरेशन को हमें ही बदलना होगा। हम जैसा परोसेंगे लोग वैसा ही सुनेंगे। आपने बड़ी अच्छी सी बात कही कि यानी ये दोष हम लोग समाज के ऊपर और दर्शकों के ऊपर या फिर सुनने वालों पर नहीं दे सकते कि वो सुनना ही ऐसा चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी सी बात कही कि उन्हें जो परोसते हैं, जो देते हैं, वो वही सुनते हैं। जैसे सर्वेश्वर ने कहा कि एक दशक, तीन चार दशक पहले की बात करें तो शास्त्रीय संगीत थी, उन राग रागनियों पर आधारित संगीत हुआ करता था, जो आज तक हमारी रगों में बहता है, हमारे जहन में सिमटा हुआ है, कहीं कहीं हमें एक रूहानी सुकून देता है। वो चीज हमने उस वक्त वही परोसी तो लोगों ने वही सुनी, और आज अगर हमने फूहड़ता परोसी है तो फूहड़ता भी सुनी जा रही है, उसको भी लेके आगे बढ़ा जा, बिल्कुल बढ़ा जा रहा है। पहले पहले का संगीत इतना दमदार था, आज भी उसको लोग सुनते हैं। ये न्यू जनरेशन उस संगीत को भी सुनती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नया दौर चल रहा है उनको थोड़ा डांस करना होता है, बिना डांस के कोई पार्टी नहीं होती है, वो पार्टी सॉन्ग नहीं है पुराने, लेकिन जो दिल को सुकून देते हैं तो वो ही गीत हैं। आज भी आप देख लीजिए बॉलीवुड में जितने भी नए गाने आ रहे हैं, सब पुराने रिमिक्स होके आ रहे हैं, तो कुछ तो उन गानों में बात होगी। तो मेरी एक दरख्वास्त रहेगी कि आप कुछ चंद लाइनें गुनगुना सकते हैं जो इस बात को साबित करे, हमारी मेरी शब्दों को सिद्ध कर पाए कि कहीं कहीं अगर रूहानी सुकून अगर आपको चाहिए तो हमें अपनी उन्हीं जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, उसी संगीत की तरफ लेकर आना पड़ेगा जो कि हमारे रूह को सुकून देती है। क्या आप मेरी इंतजार स्वीकार करेंगी और कुछ चंद लाइनें गुनगुनाएंगे? प्लीज बिल्कुल, मैं गुनगुनाना चाहूंगी। मैं वही गीत गुनगुनाऊंगी जो बॉलीवुड में भी यूज किया है राजस्थानी, और जो हमने प्योर किया है, लेकिन बॉलीवुड कुछ दिन के लिए रहता है, प्योर हमेशा जीवित रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जिस तरह से फिल्मों में बहुत सारे गाने यूज हुए हैं राजस्थानी, जिस तरह निम्बुड़ा आया था, अभी जो पद्मावत का घूमर आया है, लेकिन वो घूमर हम उसको घूमर नहीं कह सकते, उन्होंने घूमर का नाम ही बदल दिया, उन्होंने घूमर को घूमरडी कर दिया। घूमरडी आज तक कोई बोलता ही नहीं है, राजस्थानी लोग कौन घूमरडी बोलता है, घूमर को बड़े रेस्पेक्ट से बोलते हैं सब लोग, और घूमर डांस, हाँ, तो वो कुछ समय के लिए है, लेकिन जो हमारा प्योर है वो हमेशा जीवित रहेगा। तो मैं उसी घूमर की दो लाइन ही सुनाना चाहूंगी।
घूमर छे नखराली ए माँ उम्हारी, घूमर छे नखराली ए माँ, घूमर रम वांगे जाशा ओ राजरी, घूमर रम वांगे जाशा। इसमें शब्दों का भी बहुत अच्छे से यूज हुआ, जैसे घूमर में बड़े ऊ की मात्रा है तो हमको घूमर ही बोलना है, उसको घूमर बोल देंगे, कुछ भी थोड़ी बोल देंगे, तो प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। सही बात, सही, कितनी बड़ी बात कही है आपने कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि लफ्ज किस तरह से बने। शब्द मात्राओं की मैंने बात की, आपने कहीं घूमरड़ी कर दिया, छोटी ऊँची मात्रा कर दी, तो वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश हो जाते हैं। और जैसे मैं मेरे ज्यादा तो इस बारे में सर्वेक्षी कह सकते हैं क्योंकि ये शब्दों के जादूगर हैं। तो सर्वेक्षी, आप भी इस बात से मेरे तरफ पूरी तरह इत्तेफाक रखते होंगे कि इस तरह के जो अपभ्रंश मार्केट में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कला को तो हानि पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मानसिक अशांति भी दे रहे हैं। नहीं, आज का संगीत मानसिक तनाव में ही वृद्धि कर रहा है। पर सुनील जी, ऐसा नहीं है, लोग सुनने को तैयार है अच्छा संगीत। इसके लिए जो हमारे चंद मुट्ठीभर संगीतकार हैं वही दोषी हैं, वो गलत चीज परोस रहे हैं, इसलिए लोग तनाव में हैं। अगर वो सही चीज परोसेंगे तो लोग उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करने के लिए सोसाइटी तैयार बैठी है। मैंने आपको अभी कहा था कि आज चार पीढ़ी बाद भी वो 50 साल पुराने गाने पसंद किए जा रहे हैं, तो इससे आप लोगों का टेस्ट समझिए, आज की बच्चों की भी टेस्ट समझिए कि वो भी सुकून भरा संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन कोई परोसने को तैयार ही नहीं है। अब आप ये पुराने बॉलीवुड के संगीत को देखिए, जब इनके वीणा जी वगैरह के शो होते हैं तो मतलब हाउसफुल शो होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा यंग पीढ़ी होती है, युवा पीढ़ी उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों का टेस्ट क्या है, उनको अच्छा ऐसे सुनेंगे। सही बात है, इन्हें चाहते तो सुकून की तलाश में ही हैं वो, लेकिन उन्हें जो परोसा जाता है वो वही खाकर चले आते हैं, वही गुनगुनाते हैं। जैसे अभी जैसे सीमा जी कह रहे थे कि जो हमको खिलाया जाता है उसी की दुगाली किया करते हैं, यानी दर्शकों का दोष नहीं है, ये उन प्रोड्यूसर का दोष है जो अपने हल्के मुनाफे के लिए समाज में इस तरह का ड्रग बेच रहे हैं। वीणा जी, मुझे लगता है कि सवाल की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नए जमाने और पुराने जमाने में तालमेल बैठा कर एक मेंटर की भूमिका में खड़ी हुई हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि वीणा जी, आजकल आपने भी देखा समय की मांग के साथ में ऑनलाइन शोज हो रहे हैं, और कोरोना ने तो ये मामला बहुत ज्यादा बैठा दिया है, तो बड़ा अच्छा सा सवाल है कि ऑनलाइन और जो लाइव शो जो होते हैं जिनमें कलाकार जो दर्शकों के बीच कनेक्टिविटी तो पहले आप महसूस किया करती होंगे, क्या ये उतना ही सुकून देता है या आप इससे कुछ अंतर महसूस करती हैं? नहीं, काफी अंतर है उसमें। जो हम लोग लाइव शोज करते थे तो उसमें हम लोग को ऑडियंस सामने नजर आती थी, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी तालियां, और मतलब वो सारा जो एक लाइव जो फील होता था ना वो हमें सामने दिखता था। और अभी ऑनलाइन हम जो शोज कर रहे हैं उसमें हम ऑडियंस को नहीं देख पाते, तो हमें नहीं पता होता है कि उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, उनके कमेंट्स और लाइक्स के जरिए हम समझते हैं। बट उसमें ऑनलाइन में ये होता है कि जब वो कमेंट्स, कई लोग क्या होता है कि कमेंट्स देते नहीं है उस पर, कई बार हमारी बात होती है कि आपने शो नहीं देखा तो बोलते नहीं देखा हमने, बट कमेंट लिखने में थोड़ा हमें हम हेजिटेट हुए, तो ये वाली प्रॉब्लम्स का। तो हमारी जो एक्चुअल ऑडियंस है वो ऑनलाइन कई बार हमें पूरा वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है जो हमें वो लाइव शोज में दे रही थी, तो वो थोड़ा फर्क तो है। वो हम भी अपना उतना शायद 100% ऑनलाइन शोज में नहीं दे पाते हैं, सामने कोई नहीं दिख रहा होता है, इसलिए कोई नहीं दिख रहा होता। तो बड़ी बात है, ये आदतें बदलने का वक्त जैसा है, आपको लग रहा है कि अब हमें आज चीजें बदल दी जाएं, पहले जितना हाथ नहीं धोना होता था उसके मतलब मैं कहूँ की 20वीं बार उससे कहीं ज्यादा हाथ धोना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं शायद इस माहौल में कुछ एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने एक बड़ी सी बात कही कि पहले हम लोग उनके तालियों की गड़गड़ाहट से, उनके एक्सप्रेशन से हम लोग महसूस कर लिया करते थे, एक कलाकार महसूस कर लिया करता हाँ। था कि लोग हमसे कितने बंधे हुए हैं, वो हमारा जोश और हमारी एनर्जी बढ़ाता था, वो सारी जोश और बिल्कुल। इस ऑनलाइन में सबसे बड़े नुकसान जो आपके लिहाज से आता है वो ये आता है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक गया है कि अब एक दर्शक और जो कलाकार के बीच में गैप इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो एनर्जी डायरेक्ट कलाकार तक नहीं पहुंच पाते, और कलाकार उस तन्मयता के साथ उन चीजों को ऐसा नहीं है, मतलब ऑनलाइन में भी हम जो कर रहे हैं सब कलाकार उसमें सब अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें एनर्जी है ही नहीं है, बट जो एक डिफरेंस है ना दोनों में वो बता रही हूँ मैं आपको। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा था कि
भाई पहले तालियों में गड़गड़ाहट आ जाए करती, सामने का चेहरा मुस्कुराता या आपके दोनों में सोया हुआ नजर आता था, तो आपको समझ में आता था कि अभी आपको लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं। अब ना वो तालियां नजर आती हैं, ना वो चेहरे उस तरह झूमते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल तो डाउन तो होता ही होगा मेरे ख्याल से। बाकी जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा मुश्किल है, वो ज्यादा सही है। सर वैसे अगला सवाल लेकर एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ना चाहूंगा। सवाल मैंने तो किया, आप ही ने मुझे दिया है कि पहले राग रागिनियों का हो, संगीत का हो, एक समय तय हुआ करता था कि इस मौके पर, इस समय पर ये राग गाया जाना चाहिए। भैरव की बात करें, राग भैरव की बात करें तो सुबह गाया जाना है, मेघमल्हार की बात करें तो वर्षा के लिए गाया जाना, दीपक राग की बात करें तो उसका एक अलग था। हर एक राग का, हर एक रागिनी का, हर एक गायकी का अपना एक तय समय हुआ करता था और एक एक अंदाज, एक मौका हुआ करता था। और अब जमाना बदल रहा है, अब लाइफ डिजिटल हो रही है, अब हर आदमी ने अपनी पसंद के कलाकार को अपनी जेब में, अपनी मुट्ठी में कैद कर लिए हैं। वो अंगूठा दबाता है और उसकी पसंद का कलाकार उसके सामने गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है। उसका मन आया तो उसने उसकी जेब को आधा भी छोड़ दिया, मन आया तो पूरा भी सुन लिया, उसका मन आया तो उसने सुबह आरती सुनी, मन आया तो दोपहर में सुन ली। यानी कहने का मतलब कि राग रागिनियों की, संगीत की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी बिगड़ी सी नजर आती है। तो मेरा आपसे कुछ सीधा सा सवाल है, वो ये बन के आ रहा है कि क्या रागों के समय में और उनके माहौल में जो ये परिवर्तन आया है, उससे जो छेड़छाड़ जो हो रही है, क्या उससे भी हमारे मन की शांति पे कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए सर, संगीत का समय अनुकूल ही संगीत मन को सुकून देता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आकाशवाणी जब पहले सुबह से लेकर रात तक अलग अलग टाइम के गीतों को जब प्रसारित करती थी तो उसमें राग रागिनियों को फॉलो करती थी। और उसमें सुबह के टाइम देखिए आप, वो स्पिरिचुअल संगीत होता था जिसमें सारे भैरव, अहिर भैरव, इस तरह के रागों पर आधारित गीत होते थे। फिर दोपहर में दोपहर के रागों के होते थे, शाम को शाम के यमन और शिवरंजनी, ऐसे पूजा धनाश्री, पूजा कल्याण, ये सब राग रागनीय रात पे होते थे। और जब रात को जब नया गीत आते थे तब उसमें देर रात के राग पर आधारित गीत हुआ करते थे, जिसमें कि बागेश्वरी और माधवंश ले, इस तरह के रागों को लेकर ये एक क्रमवार एक तो सिलसिला था, वो खत्म हो गया है। और मुझे ये, मैं माफी चाहूंगा कि इसके लिए बहुत ज्यादा दोषी हमारे शास्त्रीय संगीतकार भी हैं जो कि समय के रागों में समय का फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मेरे को कई बार मजबूरन लिखना भी पड़ता है कि ये सुबह का राग था या ये आधी रात का राग था जो शाम को ही गा दिया गया। एक बार तो एक संगीतकार ने यमन के समय बिहाग गाना शुरू कर दिया जबकि बिहाग है रात को 8 बजे बाद का और यमन है शाम को 6:30-7 बजे का राग। तो ये सब चीजों से क्या है कि लोग, हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है जो ये सब कबाड़ा हो रहा है। और मैं तो इसमें एक सिफारिश गुजारिश करूंगा कि एक गीत वीणा जी का भी हो, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करता हूं उससे पहले मैंने आज के माहौल पर एक कविता लिखी है जो कि उस बात पर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। और मैं चाहूंगा कि एक अच्छी सी परफॉर्मेंस यहाँ पे अभी थोड़ी देर हो ताकि उसमें एक हमको सुकून मिल सके। जरूर 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 सर, वो तो मैं बिल्कुल हक से मांग के ही रहूंगा, मैंने सोच ही रखा है। तो इन दोनों के गीत अगर अपन और लेंगे तो माहौल एकदम बूम पर जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कविता का इंतजार ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि बेचारी गजल जो इतराती थी अपने मदमाते यौवन पर, सुर और भावों के गहने पहनकर लगती थी जो रागिनी सी, आज बेनूरियों के आगोश में आकर अपनी बेनूरी पर आंसू बहा रही है। बदल रहे हैं इंसानों के तेवर यहाँ, अब आने वाली गजल का हश्र क्या होगा। दिलो दिमाग के बीमार हैं जहां देखो, मैं सोचता हूँ वहां हाले गजल क्या होगा। न सुर समझते हैं और न ताल की संगत, यमन सुनाओ या हमाद क्या होगा। बदल रहे हैं गजलों के रिवाज यहाँ, मुझे फिक्र है कल की गजल का क्या होगा। मेरे दिल से पूछो यारो, अब ऐसे रोग का आखिर इलाज क्या होगा। अब ऐसे रोग का आखिर इलाज क्या होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब बिल्कुल, बहुत ही सधे हुए शब्दों में इतनी खूबसूरती से आपने सुरों के जो दर्द को बयां किया है, मैं यकीनन इस बात के लिए पूरा मतलब पूरी तरह से यकीन रखता हूँ कि जो सुर भी हैं, जो शब्द हैं, वो भी आपका शुक्रिया कह रहे होंगे कि आपने हमारी बात को, दर्द को बयां कर दिया। तो इसके लिए मैं सुरों की तरफ से और शब्दों की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो पूरा विश्वास है कि आप इस गजल से जो सुनने वाले हमारे दर्शक जो शो देख रहे हैं उनको भी फर्क पड़ेगा, उन्हें इस बात को ध्यान रखना शुरू करेंगे कि हर चीज़ पे एक समय है, एक माहौल है, एक मौका है, उसका हमें ख्याल
रखा जाना बेहद जरूरी है। मैं वीणा जी से मिल लूँ, उससे पहले मैं एक सीमा जी से सवाल करूंगा, फिर वीणा जी के साथ में हम लोग जैसे कि सर्वेक्षण ने हमारा मार्गदर्शन किया कि आज का समापन हम गायकी के साथ में ही करेंगे। तो सीमा जी, नेपोटिज्म की वजह से सबसे सुर हैं या जो कलाकार हैं वो पिछड़ जाते हैं, और वो लोग जिन्हें काबिलियत कम है वो अपने पराई की वजह से आगे आ जाते हैं, लेकिन बचपन से एक ही बात सुनते रहते हैं कि सबसे परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि आजकल यही हो रहा है, जो असली में डिजर्व करते हैं प्लेटफॉर्म उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, जबकि अपने जो मिलने वाले होते हैं उनको प्लेटफॉर्म लोग दे देते हैं। तो ये बात तो मेरे साथ भी हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये जब मैं जयपुर में आई थी नई तो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था, रियलिटी शो था, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मैं ऑडिशन देने गई थी, लेकिन जो बच्चे मेरे से हारे थे कॉम्पिटिशन में उनका सिलेक्शन हो गया और मुझे नहीं किया गया मेरा सिलेक्शन, तो उसके बाद मैंने कंपटीशन में हिस्सा लेना ही बंद कर दिया। मैंने उसी दिन ठान लिया मुझे किसी कंपटीशन में जाना ही नहीं। ये पार्शियलिटी होती है जब अपने इतने छोटे जयपुर शहर में होती है, तो मुंबई शहर में तो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अच्छे जो कलाकार हैं उनको मौका मिलना चाहिए आगे आने का, ना कि आप अपने रिलेटिव को दें या अपने जानकार को दें, तो सही कलाकार सामने आए और अच्छा संगीत सुनने को मिले, अच्छा गायन सुनने को मिले, तो ये होना चाहिए। सही बात है, कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि इस नेपोटिज्म से या फिर भाई भतीजावाद से बाहर निकलकर कला की तरफ नजर रखी जाए, तभी हम लोग नए कलाकारों को सच्चे सुरों को तलाश कर पाएंगे। मैं एक सवाल है जो आखिर सवाल के तौर पर वीणा जी को लेना चाहूंगा। वीणा जी, कोरोना के काल के अंदर जो स्थापित कलाकार जो सेलिब्रिटीज हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो तो खुद फिर भी अपने आप को संभाले हुए हैं, लेकिन उन जो नई प्रतिभाएं थी जिनके पास ना तो उसकी फैन फॉलोइंग है ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएं, लोगों से कनेक्ट कर पाएं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एस्टैब्लिश कलाकार हैं जिनके पास सारी रिसोर्सेज वगैरह भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्या उनको इन अपने जो लिमिटेड दायरे उन्होंने बना रखे उनको छोड़कर इन कलाकारों की सहायता के लिए इस मौके के अंदर एक मंच पर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो खुद ही ये बात सोचती हूँ कि अभी जो हम देख रहे हैं पूरा जो ये दौर चल रहा है, इसमें हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, शायद हम भी हैं उनमें से। तो मतलब इससे पहले जो लॉकडाउन से पहले जो शोज हो रहे थे उसमें जो पैशनेट सिंगर्स थे या जिन लोगों को इसको अपना प्रोफेशन बनाना था, उन लोगों को एक मंच मिलता था कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, बट वो अब नहीं मिल रहा है क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से वो सारे शोज बंद हो गए हैं, और ऑनलाइन उन्हीं लोगों को चांस मिलता है जो थोड़े फेमस हैं, जिनको लोग जानते हैं, और ये भाई भतीजावाद ये तो हो ही रहा है। तो मैं भी आपका बिल्कुल सही कहना है कि उनको एक मंच मिलना चाहिए ताकि वो लोग अपना जो टैलेंट है वो दिखा सके और उन्हें आगे इससे रोजगार मिले, क्योंकि कई लोगों का तो शायद रोजगार ही यही बनने वाला है, वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो जब वो सामने आएंगे उनको लोग सुनेंगे देखेंगे तभी उन्हें आगे काम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल एक मंच मिलना चाहिए सबको। बिल्कुल सही बात कही सीमा जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे कि आप जैसे जो दिग्गज लोग हैं, जो इस क्षेत्र के महारथी हैं, वो अगर एक मंच पर आए तो मेरे लिहाज से ये बात उन नव कलाकारों के लिए अच्छी हो सकती है, तो क्या आप भी इस बात से जो वीणा जी का उसे इतफाक रखती हैं? आपको लगता है कि जो स्थापित कलाकार हैं अपने आप दायरों को तोड़ कर बाहर निकले, वो ये ना देखें इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हम क्यों जाएं उनकी सहायता के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें भी किसी ने सपोर्ट किया है तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें भी जो और आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और मैं करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि आप प्लीज वीणा वालों को बोलिए हमें मौका दें, मैं उनके ऑडियो आगे भेजती हूँ। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि अंकल उनको कितना काम देते हैं, मेरे से जितना होता है मैं सबके लिए करती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं मेरी जगह कोई ले लेगा या ऐसा, अपनी जगह है, जो अच्छा कलाकार होगा वो अपनी पहचान खुद बनाएगा, तो ऐसा सब बिल्कुल करना चाहिए। अगर बड़े आर्टिस्ट हैं कोई छोटों का सपोर्ट करना कर सकते हैं तो उन्हें बिल्कुल करनी चाहिए मदद। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपकी जो बातें हमारे दर्शक देख रहे हैं सब भी इस बात को लेंगे, जो स्थापित कलाकार हैं जो आपके वर्ग के जो कलाकार हैं वो भी इस बात को पूरी तरह से अपनाएंगे भी, और नए जो कलाकार हैं जो नव प्रतिभाएं हैं उनको चांस देंगे। मैं एक बार फिर से सर्वेश जी की बात को लेकर ही इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँ। उन्होंने कहा था कि बड़ी खूबसूरत अगर यहाँ पे बात सुरों की हो रही है, सुरीले लोग अगर बैठे हों और वहाँ पे कुछ गुनगुनाया ना जाए और वीणा जी बैठे और खाली चले जाए तो ये तो बिल्कुल पाप ही होगा। सर्वेश जी गलत कह रहा हूँ कि इतने बड़े कलाकार आप लोग बैठे हों और हम उनसे कुछ दरख्वास्त ना करें? वीणा जी,
आपसे मेरी दरख्वास्त है कि कुछ ऐसा गाएं कि जैसे जो मैं बातें कही हैं हमारे चर्चा जो शुरू हुई कि सुर सुकून देते हैं वो उनके सच्चाई आप लोगों की गायकी के जरिए सिद्ध हो सके, हमारी दरख्वास्त है कुछ गुनगुनाएं। बिल्कुल, मैं एक ऐसा ही सॉन्ग सोच के आई हूँ कि इस पूरा कोरोना टाइम में लोगों ने काफी परेशान हुए हैं, उनको काफी स्ट्रेस हुआ है, तो मैं उसी सुकून के लिए दो लाइन गाना चाहती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो करे उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो करे उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है, हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत आपने मेरी शब्दों में जो वजन दिया उसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका, और मैं सर्विक्स भी बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने प्रेरित किया और मेरे लिए हिम्मत दे गए। मैं सीमा जी आपसे भी दरख्वास्त करूंगी, एक चीज तो आपकी तरफ से होनी चाहिए जो मेरे सुकून को और मेरे सत्य को साबित कर सके। बिल्कुल, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मौसम के हिसाब से गाने होने चाहिए, तो अभी चूंकि बारिश का मौसम है और बरसात का सीजन चल रहा है तो मैं बारिश का ही कोई सॉन्ग सुनाती हूँ। पियो पियो बोले पिया मोरियो, पियो पियो बोले पिया मोरियो, हारे पिया बगिया में छाई है बहार, हारे पिया बगिया में छाई है बहार, तू बाग में आव जा रे, तू बाग में आव जा रे। बहुत खूब, थैंक यू। अब मेरी तो ऐसे गुजारिश है, इच्छा तो क्या कहूँ, जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, या आपके बारे में जितनी जानकारी रखता हूँ, गायकी में आप भी थोड़ी सी वो दखल रखते हैं, तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि आप भी दो लाइनें गुनगुनाएंगे? ऐसे दो लाइन में गा देता हूँ, इंस्पायरिंग गीत। गाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बताइए आप बहुत ही सुंदर। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने शब्दों से, अपने सुरीले अंदाज से, अपने जो हालात चले उनके ऊपर जो चर्चा की, उसके बारे में जो प्रकाश डाला, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं तयशुदा मानता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग अगर एक ही में बात करूँ तो हरेक ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूँ बातों को तो सर्वेश भट्टी ने जैसा कहा कि शब्दों के सुरों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना हमारे लिए विनाश का वजह हो सकती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि हम उसके रागों के साथ में, रागनियों के साथ, उनके समय का, उनके लफ्ज़ों का, उसका पूरा ख्याल रखें और उसी के लिहाज से उनको गायकी के अंदर लेकर आएँ, तो चीज़ों को सही रूप में पेश किया जाएगा, तभी वो अपना असर दिखा पाती है। हर एक चीज़ की अपनी एक रेसिपी होती है, रेसिपी में आप जरा सा भी कुछ बिगाड़ने की कोशिश करोगे जाहिर सी बात है उसके अंदर वो जायका उस बार नहीं रहता है। तो इस बात को लेकर गायकों को भी और उन उत्पादों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कमर्शियल चीज़ें अपनी जगह होती हैं, लेकिन चीज़ अपनी मौलिकता ना खोए, क्योंकि मौलिकता खो देगी तो जो धरोहर से बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है उसमें कहीं ना कहीं आप विफल होते हैं। मैं सीमा दिन जैसे बड़ी अच्छी सी बात कही कि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़कर आना चाहिए, और जो नए कलाकार हैं उनको भी
अवसर दिया जाना चाहिए और सब चीजों को बैलेंस रूप में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, हमें नया भी होना है, उसके साथ साथ ही अंदर हमें पुराने को भी सहेज कर चलना है। कुछ सारी बातें जैसे भी हम लोग बात करें, वीणा जी ने बड़ी अच्छी सी बात कही कि सुकून है, तो एक जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो तो कहीं ना कहीं दर्शकों से सीधा जुड़कर ही मिलती है। ठीक है, ऑनलाइन एक इस वक्त हमारे पास में तरीका है जिसके जरिए हम खुद को एक ऑल्टरनेट के तौर पर ले सकते हैं कि एक थोड़े समय के लिए, कि जब तक हम लोग डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं तब तक हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है और शायद अभी आदतें भी नहीं है। अभी तालियों गड़गड़ाहट वो गूंज और वो स्वर ध्वनियां जो हम पहले सुनाई दिया करती थी, वो वाइब्रेशन जो हम महसूस किया करते थे उससे अभी हम वंचित हैं। और जाहिर सी बात है वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं उस एनर्जी को एक से दूसरे में ट्रांसफर करती हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सब चीजें ठीक हों और उन ध्वनियों को, उन वाइब्रेशन को हम रूबरू होकर महसूस करें और आप लोग आए, जुड़े और कार्यक्रम को सफल बनाया और अपनी आवाज से और अपने ज्ञान और गुण से लोगों को इंस्पिरेशन दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।